तू अपनी मर्जी की शादी कर दू तो ना आबा जी तेन घरों कट दे। हूं तेन पता लगा ना कि आबा जी की जिद उस वे बिल्कुल ठीक ठाक सी, पर तेरी जिद ने एक मामू जे कलर्क ने इस घर का जवाही बना दिता। हूं मालूम आता कि उन्हें तीन बच्चे तेरे हवाले करके तेन घरों कट दिता है। उन्हें तेरे बेवफाई की जिंदगी ने नहीं की, मर गए ने। मैं इस घर से दोबारा इसलिए आ गई हूं कि इन्हें बच्चों को पालने वास्ते मैं बाहर निकलना पैना सी। दुनिया ने मेरी शक्ल पहचान लेनी सी, पिता ना अब्बा जी की जात में मिलना सी। इस बात से इस घर से बना दे दियो, मेरे बच्चे जवान हो गए तो मैं फिर इस घरों चली जाऊंगी। तू इतनी रहेंगी, तू घर में रहेंगी। मैं अंदर जाके तेरे वालों अब्बा जी का दिल साफ करना ताकि वो तेनों आप लेना आ जाए। अब्बा हजूर, अब्बा हजूर की अब्बा हजूर की गर्दान लाइए, बोल की कहना चाहना। अब्बा हजूर बाहर आपदा आइए, शोहर अब बेवा हो गई है। बेवा हो गई है तो फिर ऐसे क्यों आई है? किसे नाल गई थी वो नाल कबर भी दफन क्यों नहीं हो गई? खानदान की बदनामी का निशान मिस क्यों नहीं गया? जिस दिन वो इतों गई सी मेरे लिए उस दिन मर गई सी, और मैनू क्यों यकीन तो आना चाहती है कि वो जिंदा है? मैं घर छड़ के जान वाले नू घर वापस आने की इजाजत नहीं दियांगा। सिकंदर और जाके कह दे इतों चली जाए, इतों चली जाए, चली जाए। अली कुली खान अपने सूलों का गुलाम हो गया है। दिया उजड़ के बूहे ते आ जान ते मापे उना ते हर कसूर माफ कर देते हैं। एक लम्हे लई लम्हा तो प्यो बन के बदकिस्मत तीनों हौसला दे देते। प्यार का हथ धी दे सिर ते फेर देगा ते तेरी नवाबी की शान नहीं कटेगी, शान नहीं कटेगी, शान नहीं कटेगी।
आपदा ओ चली गई है बाजी, तुहाडियां गल्लां सुन के चली गई है। तुसी जो कुछ अंदर गया है जे इन्हां कंधां च एहसास आंदा इन्हां ने भी टुर जाना सी। और तो फिर धी नमाणी सी। अब्बा जी तुसी किहो जे मुनसिफ हो, मुजरम ने मौत का हुक्म सुना के आप डोल गए हो। जंदरों टुटना ही सी तो उन्होंने क्यों किया सी कि इथों चली जा, इथों चली जा। सूल पसंद नवाब जाता सी चली जाए, पर प्यू का दिल चाहता सी कि ना जाए। और मेरा दिल टुर के गई सी, मैं अपने दिल का गुबार कटन का भी हक नहीं सी। ए प्यू धी का मसला सी, उन्हें तेनों वकील क्यों बनाया। अपनी खुददारी मेरे असूलों तो उच्चा करके चली गई है, मेरे कोल भी आ सकती सी। मैं उनकी अखां विच निदामत के अथरू वेख के उन्होंने अपनी अखां विच लुका लेंदा। तो उन्हें जाके लभ ते मना के घर लाया पुत्र, जिन्हों ना वेखण का ऐलान किया। हुण मैं उन्हें वेख वेख के जिंदा रवांगा, वेख वेख के जिंदा रवांगा। घर छड़ के जान वाले नु घर वापस आने की इजाजत नहीं दिया। सिकंदर और जाके कह दे मैं तो चली जाए, मैं तो चली जाए। बच्ची क्यों रो रही है? मैंने दे दियो, मैं चुप करा लूं। बस बस बस, माशाल्लाह कितनी प्यारी बच्ची है। ओए मेरा पुत्र राजा। ओ भाई बैठाओ, कहता है सारे सीट से लम्मा दे हैं, उसका लड़का नहीं होता। जाओ मैं तानू अगे अगे कर। एक बेरी है मेरे बेटे का नाम की है असलम। तुझे कितने ने अल्लाह मियां को बेटे, तुसी कितने जा रहे हो? अपने अब्बू को। सिकंदर तेरी अखा च अथरू, बोलता क्यों नहीं? वो की खबर लेके आया? निके जे सफर दी मुसाफर उस लम्बे सफर ते टुर गई है बाजी, जिथों कोई वापस नहीं आंदा। आपका भैन जिस गड्डी आ रही थी उसे एक्सीडेंट हो गया। आपदा मर गई है बाजी, बच्चे तुहाडी जिद तो कुर्बान हो गए। नहीं, मेरे बच्चे नहीं मर सकते। मेरा असलम से मेरी गुड्डो जिंदा है, मेरी गुड्डो जिंदा है, मेरी गुड्डो जिंदा है। हाथ से किसी को जिंदगी भर की पूंजी खो लेते हैं, ते किसी नु सारी उम्र की कमाई दे जाते हैं। सुभान अल्लाह बीबी जी, इन्हें जमदा कोई है ते इन्हें दी जवानी का मुल कोई वटता है। रब ने साडी रोजी का भी तो कोई सरबंध बनाना सी ना। सुभान अल्लाह, मेरे पैर च घुंगरू पावांगी। जा जा के दरवाजा बंद कर। नहीं मां, ऐ ना हो, शायद इत्थे आवे ते बुआ बंद वेख के बाहरों चला जावे। जमीला जेड़ी तमाशबीन दा राह वेखे वो तवायफ नहीं, ना समझ ते नादान। इत्थे बड़े आए ने मां, पर मैंने सिर्फ शाहिद का इंतजार है। इस पेशे च मेरे बाल चिट्टे हो गए, मैं जाननी हाँ ते नाले शाहिद पाऊ ते शहर के सब तो वड्डे नवाब खान बहादुर अली कुली खान का पुत्र है। शाहिद जी दादा जान, इस वक्त कितने जा रहे हैं? जी जी
मुशायरे पे जा रहे हैं। तू शायरी भी करना है? जी दादा जान, इब्तदा कितनी है? शायद बेटे, शायर रस्मां दे खिलाफ, उसूलां दे बागी, ते दिलां दे सौदे करन विच जल्दबाज होंदे ने। ऐसा कोई कदम चुकन तो पहला एक सोच लें कि खानदानी वकार ते उसूलां दी बनी हुई इस दीवार नूं गिराना बड़ा मुश्किल है। दादा जान, मैं ऐसा कोई कम नहीं करांगा जिहदे नाल तुहानूं कोई भी तकलीफ पहुंचे। ठीक है, तू जा सकना है, तेरा इंतजार हो रहा होगा। जी दादा। सुन, अबाजी अबाजी अबाजी, ओए अबाजी, डैडी मैंने तो दाल दे विच काले काले तो इलावा नीला ते पीला भी नजर आ रहा जे। तेरी याददाश्त ते नाल तेरी निगाह भी कमजोर हो गई है, किसे अच्छे डॉक्टर को मशवरा कर। डैडी ठीक ही कहने ने, मैंने किसी चंगे डॉक्टर को मशवरा कर लेना चाहिए कितने में पैंग ही ना हो जा। जमीला, तू सोचती होगी कि शायद मैं नहीं आऊंगा। ऐसी मैं सोच भी नहीं सकती शायद कि तू ना आवे, इसलिए कि सच्चा प्यार करने वाले दे रस्ते च सिर्फ मौत कण बन सकती है, दुनिया नहीं। गल सुन सुन ले सजना मेरी।
मैनू यह दस मां के अमाम दामन कपड़े च लपेटी के डौले च परोई दा कमजोर हो कोई गल नहीं मां दुआ कर अल्लाह करे लौट जाते ही मैं चंगी जी नौकरी मिल जाए इंशाअल्लाह ताला तैनू मैं सोने दे फ्रेम दी ऐनक लैके देंगा ते नाल लैके देंगा लसंस वाला पिस्तौल भी है ना मां जी ऐनक तो ठीक है मैं पिस्तौल काने लई वे ओ चली मां सोने दे फ्रेम वाली ऐनक कईयां ने लाण दी भी कोशिश करनी है धोते जिदा हो गया पर मजाक दी आदत नहीं गई अच्छा मां असीं ते हस के लंघा देनी है लोग ही रोंदे ने ते पैरों अच्छा मां तेनू अमामा दे सबूत किया ते हर मुसीबत तो महफूज रहे ते किसे दी बुरी नजर ना लगे नजर ते लग दी आ नीरां दे बालां नू जिन्हां नू नीच बाद जांदी ते डाक्टर दलीलां च पहले खलोते हुंदे ते गरीबां दे बालां नू कादी नजर लगनी है रूड़ियां ते रुल खुल के जवान हुंदे ने बस मेरे वास्ते दुआ करी लाहौर जांदी मैनू चंगी जी चैंपियन जी नौकरी मिल जावे छोटा जिहा कर लवांगा तैनू भी बुला लांगा खुदा हाफिज़ मां तू बंदा है कि घर का चूहा है अपनी थां से ठीक हो मैं भी तो यही गल कर गवर्नमेंट देती है गटर बनाने पैसे फिर गटर बना जाते पर ढक्कन बेच के खा जाते किसी औरत तो छेड़िया होना ना तू मैं औरतों नाल कोई दिलचस्पी नहीं एवं आवारा जी औरत सी मैं ढक्का दे के नस गई पर तू गटर की निकली है 1600 एकड़ वाली बंबी 1600 एकड़ वाली कमी हालत हो गई है मैं बंदा घटते किसी माली की बेवा बहुत लगी मालिश कर ली खाना घट बांदरी के बजे बाप जी यहोजी थोड़ी मैं मालिश करा कि 14 रोशन हो जाएंगे वैसे हाथ तेरा बहुत अच्छा है कितने कितने मालिश करता रहा लैलपुर मुल्तान लाहौर पिंडी नारंग मंडी नारंग मंडी जिते तूफान आया सी हाँ जी उदो उ ही सर हाँ जी तो मरिया नहीं तू चल मालिश कर ना मार मालिश कर तू स्टाफ म्यूजिक डायरेक्टर का लड़का तो नहीं मशरूम नू सारे पै गए
यार तेरा ब्रीफ के आप किथे चला गया टोपी वाला तेसा पता नहीं किथे मैनू लड़वा के आप दफा ही हो गया पता नहीं ओदा हैगा भी है कि नहीं तू की कुआल गया डैडी ने चेक ना कैश कराया बेटे तू इस तरह कर तेन जिथे जाना फिर चला जा तेरी मौजूदगी असल हकीकत नहीं दसना मैं पता है डैडी की मर्जी है मैं इनकी ख्वाहिश रुकावट नहीं मानता मेरी मर्जी की शादी का पूछ रहे हो फिर बकवास करना ₹2,00,000 दसने ही पै गया ना बेटी हूं मैं दस देंगा आपा जी गल मैं नहीं पता क्यों इस बेचारे बेजबान से हाथ चुक रहे हो तो ₹2,00,000 का चेक पाए इस बंदे तो मैं गड्डी नाली से बैठा देखा हो सकता इन्हें चेक की किश्ती बना के रोड़ दी हो हाँ जी तू कौन है मैं मुसाफिर साडा घर है कोई लारी एडा नहीं क्या दफा हो जाए तू वैसे मुसाफिर लोग भी अजीब चीज होंगे हमने थोड़ी देर बाद कहेगा मेरे को किराया नहीं है मेरी जेब कटी गई है वैसे मैं बड़ा कारोबारी आदमी है ठीक है साथी मैं तुहाडा ब्रीफ केस देने वास्ते आया था नहीं तो ना सही खुदा हाफिज तो गल सुना मैं जाए अब्बा जी ये तो बड़ा बहादुर आदमी है यह ब्रीफ केस इसे ने डाकुओं को खोया है तुम्हें इस घर का पता कितों मिले इस ब्रीफ केस तू है ब्रीफ केस खोल के देखे तू बदनीयत क्यों नहीं आया बदनीयत इस वास्ते नहीं है साहब जी के साथी अमानत से इधर से मेरा कोई हक नहीं बेटे इसे नेक मामियों का पुत्र है ऐला बरखुरदार ऐला एक ही है साहब जी ऐ तेरा नाम नहीं साहब खैर ये तुसी जेब च पा लो इन्हों मैं दे दे माफ करना साहब जी मैं उन्होंने लोगों च नहीं जेड़े जन्नत के तने च इबादत करते हैं इनाम लैन की खातर नेकी दे काम करते हैं मैंने पैसे की लोड़ जरूर है साहब जी मंग के नहीं नौकरी करके खुदा कौन बरखुरदार नौकरी करेगा जरूर करांगा साहब जी जरूर करांगा जी अगर मैं कोई नौकरी देना तो फिर बाद ही कोई चंगा जहा कर वेख के उसे रिश्ता भी करांगा जी अच्छा नौकरी तेनों असी देंगे अज तो तू साडा जाती शक्ति है खंड खोर नहीं क्या पत्थर से जागर का मूह है वैसे साहब जी तुम भी इसे घर च रहते हो मैं शुरू तो इसे घर च रहना अच्छा अच्छा मैं समझो तुम इतने फर्नीचर पॉलिश कर आए हो मां घोली मार तेरा दीदार न करिए सानू तो रोटी हजम नहीं होती बस आ गए देख लिया खुश हो गई जो भी हो रहा फोन से बर्दाश्त कर नहीं क्यों इतने असला बंद बिल्कुल ठीक है चाची एक सटेन गन तो दूजी पंगी है तो अपना चाची जी वो चक्कर हो मेरे अपने चाचा जी उन्हें चादर उठ के आ गई मैं सिर्फ पता करना चादर तो नहीं आई इतने चादर आई तो नहीं ना आहो मां अजे भी कई बार अगर प्यो की चादर उठ के आ जाती वो चादर बड़ी कुछ उड़ान की तबीयत की हैगी कभी उठ के किसी बनेरे से बहनी कभी किसी तो बहनी चुकती फिर नहीं चादर पहले भी इस तरह उड़ के इतने आती थी और एलीफेंट इस तरह इतने आता
ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਉਤੋਂ ਹੀ ਪੜੇਗਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਹਲਾਕੂ ਖਾਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿੰਜਿਆ ਹੋਣਾ ਉਸ ਗਰੀਬਣੀ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਰਮ ਗਰਮ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੇ ਹੱਥੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀ ਜੱਗਾ ਡਾਕੂ ਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜੱਗ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਕੇਤਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਡੋਂਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਗਿਲਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਖੁਦਾ ਜਾ
तू मैनू इत्थे बुलाया, तेरी इन इज्जत किस तरह होई? गल नहीं जी, गुजारिश है वे कि जरूरतमंद ही टुर के आउंदा, कदे सुनिया जे कि खूह टुर के प्यासे कोल गया? बकवास ना कर। मैनू 1000 रुपया चाहिए। मेरा जेब खर्च। कमाल हो गई, ना तो सिगरट पीते हो, ना तो पान खाते हो, ना तो ताश खेलते। मेरा मतलब है कि देखो ना जी, जितने तक वो नवाब साहब आ नहीं जाते और वो मैं ये नहीं आके दसते कि फलाने फलाने बंदे नू ऐ ऐ देना है, मैं उन तक घंटा का नहीं दे सकता। गुजारिश है कि जो तक वो नहीं आते, मैं तुम्हें तसली दे सकना, हौसला दे सकना, प्यार दे सकना। तू सा नौकर है, मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये चपेट मैंने अखलाकन खाई है, आइंदा से आपने ऐसी हरकत की तो मैं भी बद अखलाक हो जाऊंगा। कोई गल नहीं हल्की जी, बदतमीज भी है, तमीज इन्हें सिखानी पड़ेगी। आराम ना बैठो है। हर जिस्म दाग दाग था लेकिन फराज हूं, बदनाम यूं हुए बदन पे कबा न थी। जिदे बूहे भी खुले ने ते इत्थे कल भी खुली होनी चाहिए। बदनसीब हुंदी ओ तेरे घर दी जिदे कोल कली कली नचण वाली होवे, सोहने मुंडे नाल इश्क हो जाए। इश्क करना कोई जुर्म तो नहीं? इश्क ताडे लई मशगल आ ते साडे लई फाका हुंदा है, इसलिए कि इस बाजार च बहन आले किसे एक नाल मनसूब हो जाए ते दूजे तमाशबीन अपनी डायरी चो ओहदा नंबर कट दिंदे ने। ताडे लई मेरा ना इत्थे काफी नहीं? एक ते गुजारा बीवी करदी है, वाइफ नहीं। दफ्तरी बाई, मैं इत्थे अपना वक्त ज़ाया नहीं करन आंदा, मैं जमीला ना शादी करांगा। ये तो दीवान की दा ख्वाब है शाहिद बाऊ, जेड़ा तुहाडे दादा जी दी जिंदगी च कदी पूरा नहीं हो सकता। मैं सोच के कोठे ते कदम रखिया सी कि इश्क एक अग दा दरिया हुंदा है जिहदे चो हर आशिक नूं लंघना पैंदा है। बस पाया ते किनारे ते पहुंच के वापस नहीं जावांगा। किस्मत ने साथ में दिता ते सादी सड़क सुहा हो जाऊंगा। रुका नौकर दे हाथ तू भेजिया सी की गल? ए मजमून ठीक नहीं, खुश खत नहीं, कहते चट पैन भुखे नु ढिड भर के रोटी, जमीन ते खलोते नु कुर्सी मिल जाए ते ओ तेरी तरह औकात भुल जाता है। लगता है तू किसे बाकी छोटे ते कटिया खानदान दा पुत्र है। ए की बदतमीजी है डैडी, एने मैंने चपेड़ मारी है। डैडी ठीक कह रहे? डैडी मैं इस गुस्ताख ते बदतमीज दी शक्ल देखना नहीं चाहती, तुसी एनु तके मार के बाहर कढवा दियो। डैडी तुसी एनु क्यों नहीं कहंदे कि इत्थों चला जावे? तुसी कुछ कवो या ना कवो, हुण मैं इस घर च आप नहीं रहांगा, इस वास्ते कि मैनू इज्जत बहुत प्यारी है। वालेकुम सलाम। लगता जी लाची गुस्से जाई होंगी। जी मैं तुम सिर्फ ये कहना आया कि जे अपने मां प्यो दे ना इथे रहना जाना ना। पुलिस आ गई।
रकम चवी खा पी मुक मुका फिनिश उन्हें वेख लेना ना करो जे पार्टी जे चुप कर शांति की लोड़ मैं देना ला के हेलो पाजी रहो कदम ना पूरा दुश्मन दुश्मनी रहो कुत्ता ना मन लत छ चाना मार पवे मेरे नाल भी धोखा किया तोतिया जी मैं शिकायत लाती पिछे आटा अगले रस्ता दे किस किस्म का बगैरत आदमी है तू चूचिया गया मैनू कले मशहूर इन्ने बंदे मारन डे तेरे कलेजे हाथ नहीं पैंदा तैनू मारिया ने आहो ते होर मेरे नाल ईद मिलन डे ने इधर आना भलवान जी इधर आओ इधर आ बुला रहे भाजी कितना जवान आदमी तू एडी डी खाते तेरी भाजी तू बिच ना बोलो अच्छा भाजी ते कलेजे च मेल एक मोरन च भी मेल सो ओ भलवान एदा पिता पारता ही बहुत अच्छा लग रहा है मेरा ख्याल है और मेरी जरूरत नहीं काम तो लग गया मैं जरा हो गया है चंगा लगा चंगा लगा सीटी दे मुंह वाले बहुत अच्छा सेट रहे तू चल चल कुमकुमे फिरदा टुरदा नजर आ मैं तेन मुंह नहीं लाना चाहता इसलिए कि तू बहुत घटिया आदमी है सिर्फ घटिया ही नहीं एक धोखेबाज भी है नंद चलिया किथे किसे फुटपाथ की तू जुतियां पॉलिश करना उठे नहीं यार मेरी कोई मंजिल नहीं मेरा कोई ठिकाना नहीं मतलब है तू आलने और डिग्या बोट पर घबराना तू सानू चंगा लगा ते आज तो तू साडा यार है मेरे घर के दरवाजे तेरे वास्ते हमेशा लिए खुले पर एक शर्त ओकी यार मेरे अब्बे नू बर्दाश्त करना पड़ेगा क्यों वो आदमखोर है इहदे की शक है जान मेरी आज तो तुसी भी मेरे बेटे हो असलम बेटे ये भाई तुस असलम तेरी मां कित्थे यार है के हुई ते दुख है अपनी जिंदगी ते मां भैन भरा दे प्यार तो खाली है पछड़ यार मैं फैसला किया कि जिथो तू बेइज्जत होके निकलिया ना उस कार च तेरी ऐसी इज्जत वाली एंट्री होएगी कि बह जा खलो जा लेट जा लेट जा हो जाएगी मेरी इतलाह के मुताबिक जिन्नी देर मैं कराची रहा तू बिल्कुल दफ्तर नहीं गया घर विच वेलियां खांदा रहा ते ओ तेरा पुत्र भी नलायक हो गया है ओ बिजनेस इंटरेस्ट नहीं लैंदा आखिर बाकी जिंदगी किस तरह गुजारेगा दादा जान जिस पोते दा दादा हो जावे तुहानू बाकी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं बेटा ये तो ठीक है लेकिन फिर भी आप ही देखिए दादा जान कहली मेरी उम्र कारोबार परेशान होती नहीं
ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨੜੇ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸਾਇੰਸ ਕਾਰੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਤੇਰੇ ਫੋਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਬਲੇ ਇਤਮਾਦ ਇਹੋ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਹਸਤੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਅਸਲਮ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਈ 20-25 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਜੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇਸਤੰਬੋਲ ਚਲੇ ਇਸਤੰਬੋਲ ਇਸਤੰਬੋਲ ਇਸਬਗੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚੇਸ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਕੇ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਆਖਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਕੋਲੋਂ 8 ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਰਾਤ ਸੁਣਨਾ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਚਾਚੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਨਵਾਬ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਮਲੇ ਮੰਗਾਏ ਸਨ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਰਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾਕਾਮ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੰਜੀ ਕੇਤਲੀ ਚੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖੁਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ ਆ ਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਓਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੋਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਠੀ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਪੜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਬਸ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਕੁਲੀ ਖਾਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇੰਤਜ਼ਾਰ
इंतजार दिया कड़ियां खत्म हो गई। मेरे दोस्त खुश कदम खुश इखलाक खुश्क मुंह समेत तशरीफ ले आए ने। ये ना समझना ये ऐसा तो अन्य या चुचे ने ये हवा च बेल्डिंग करते ने इसको एनक लाई गई। तू दादा बू ए थोड़ा सेक्रेटरी सी लेकिन ये दोस्त मोहतरम तुसी इन्हां दे सेक्रेटरी भी रहे हो। ये कुछ भी समझ सकते इस वास्ते कि इन्हां दा कोई कसूर नहीं। चाचा जी दरअसल गुजारिश है वे कि मैं एक बारी तांगा नीका दे जंगल च शिकार खेडण वास्ते गया तीर कमान ते मैनू बाणिया दा सरदार कुछड़ चुक के लै गया। चुक के लै गया सी उस बाने दा कद किन्ना कु सी सलवार सी के दिन मैं दर्जी का बच्चा मतलब जी के जिस वक्त ये निके जे टांगे च पैदा हुए मेरा मतलब कि जो पैदा हुए ते पूरी दुनिया दे इसे नस्ल दे इसे शक्ल दे 12 बच्चे पैदा हुए। तुसी चंग तेज ना मारी जे 12 दे 12 तुसी जम्मे मैं नहीं मन पता टाइम 12 बच्चे नहीं हो सकते ये तुम मनना पड़ेगा। कैसा मनना क्योंकि 12 दे विचों 4 नु ते मैं खुद मिलया है पंजवां तुहाडे सामने खड़ा लेकिन अज तक सोता नहीं पता लग सकया कि वो किथे ने उहदा पता कराओ किथे ने मैं पता लभया तुसी हुण जाके लभ लो। अच्छा ए सिकंदर आबा जी सिकंदर क्या यतीम पुर सरका मुंह इन्हां दा इन्हां दी तारीफ तेरा तारीफ मैं कर जी ए नवाब अली कुली खान साहब दे साहबजादे करा कुली खान साहब दोस्त मोहतरम ये पल्ला स्टाफ छड़ के अनारकली दे स्टाफ चले जाओ और पहचानो कि ये कौन है। यकीनन इस कार्य नु करानी दोस्त मोहतरम ये नौक ला दियो क्योंकि ये सिर्फ रानी इस कार्य नवाब सिकंदर अली खान की दुख्तरे नेक अख्तर यानी इन्हें दी बेटी यस इम्पॉसिबल क्यों है इस वास्ते कि इन्हें नहीं तो शक्ल ही आपस नहीं मिलती खुदा जाने बार मात गई मात गई। अच्छा नहीं वैसे ये तो इंज लगते जी मैं खचरी ईद पढ़ना ही एक्सक्यूज मी मेरा चल हेलो जी जी हाँ हाँ दो बंदे गोली बज गई मेरे कमरे से फायरिंग कर एक बंदे कनपटी च गोली बजी अच्छा तीसरे को कितने गोली बजी नहीं अच्छा नहीं इहदा मतलब है कि मैं वापस होटल कमरे च नहीं आ सकता इम्पॉसिबल ठीक है थैंक यू। किधर टेलीफोन से खुफिया गैंग वो मेरे मगरे इतने भी आ गए वो मैं नहीं छड़ के दे विल किल मी अगर मैं होटल वापस गया तो मैं जानू मार देंगे जायदाद से मेरी जायदाद लॉक होना चाहिए। बेटा जी मेरी बन ते कुछ दिन वास्ते अपने आप अंदर करवा ले। वेरी गुड ये भी ठीक है ले ले। दोस्त मोहतरम क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुसी कुछ दिनों वास्ते इसे घर च रह जाओ क्यों खान साहब। हाँ बेटा जी तुहानू इत्थे कोई तकलीफ नहीं होगी इहनू अपने घर समझो। वेरी गुड आइडिया थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे सवाल तेन अन्या कौन कर सकता है शहजादीए एक ही मंजरिया गुता कर दी अजो तेरी मां फड़ गई पैनी कितने मां की सुबह तबीयत खराब है डॉक्टर पे गई हुई है सवेर पे गई है पता कराना सी किसी डॉक्टर नू ना कढ़ के लै जाए अगे तैनू पता है कि मुल्क डॉक्टरां दी कमी। मैं एक फैसला कीता कि तेरी मां नू ते अपने प्यो नू तुहानू ब्याह दे ते उस तो बाद चार पैसे ला के तुहानू काले पानी कर दे। आहो आहो तू मैनू काले पानी
ਕੀ ਭਜਵਾਏਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇਰਾ ਨੀਲੇ ਪਾਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ FIR ਕਟਵਾ ਕੇ ਆਈ ਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਲੈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਚਾਚੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਅੱਬੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਪੌਂਕ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਅੱਬੇ ਨੀ ਕੱਲਿਆ ਆਹੋ ਚਾਚੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਹੋ ਚਾਚੀ ਤਵੀਤ ਬਾਰੇ ਆਹੋ ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਵੀਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਵੀਤ ਬਸ ਤਵੀਤ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਦਸਲ ਮੈਂ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਂਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਤਾਂ ਡੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਬੜਾਵਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਰ ਤੇ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਚਾਂਗਰ ਮਾਰੀ ਜੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦੋ ਤੂੰ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪੀਟੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 3-4-5 ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ ਬਾਜੀ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਜਾਦੂ ਗਰੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇਹਨੇ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲੇ ਦਾ ਤੋਬਾ ਉਫ ਬੜੇ ਧਮਾਕੇ ਸਨ ਬੜੇ ਝਟਕੇ ਸਨ ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਰਾਤੀ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਬਸ ਸੁਣੀਏ ਫਰਮਾਈਏ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡੋਰਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆਉਣਾ ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਨਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਾ ਗੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਂਟੇ ਮਾਰੇਗਾ ਸੇਰੂ ਮੰਜੀ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਟਾਈ ਕਰੇਗਾ ਬਰਫ ਵਾਲੇ ਸੂਗੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੜਾਓਗੇ ਕੁਰਲਾਓਗੇ ਬਿਲੋਗੇ ਲੇਕਿਨ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਝੂਠੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਟੂਣੀ ਹੈ ਜਾਈਏ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਪਰਦੀਆਂ ਪਸ਼ੀਮ ਗੋਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਦੈਣ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗੀ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੱਕ ਵੱਡੇਗੀ ਬੱਚੇ ਤੈਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਗੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਬਸ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਹਰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਦਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਹਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ
अपना सिर मेरे पैरों च दबे इसलिए तुम मेरी गुलाम है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। दलील ते कठिया आदमी है तू। एडी सोहनी सूरत बीवी के रूप सामने वे ते इंसान का दिन भर का थकेवा लै जाता है, पर तू किड्डा दलील आदमी है। इधर तो जुल्म कर रहा है। मैं इधर तो जुल्म करूंगा। बकवास ना कर। छड़ जा, छड़। तेरा जिंदा रहना सायमा ले मौत है। मैं तेन जीवन नहीं छावा। लेकिन इतों कुछ थोड़ा जा गिला है। दरअसल वो जो प्यार लभ रहा है किधरे नहीं मिल रहा है। इस प्यार मां का प्यार ना समझना। अगर हकीकत समझो ना तो इस कार्य सिर्फ तुहाडे वास्ते आया है। और अगर तुसी उहदे नाल सीधे मुंह गल नहीं करोगे तो मुल्क छड़ देगा। मुल्क नहीं छड़ेगा तो कुछ दिनों तक वो छड़ जाएगा। फिर जो बंदे उन्हें चौके बूढ़े दरिया छोड़ दे फायदा। इस तो बेहतर को चले जाए। प्लीज ए टिकट दे। खुदा पता नहीं कितने मर गया। अजे तक नहीं आया। हूं तक तेन टिकट। तुसी जा रहे हो? जी क्यों? मेरी मर्जी। जान की वजह हैगी एक। तुसी रुक नहीं सकते? नहीं इम्पॉसिबल। ये नहीं हो सकता। कोई रोकना भी चाहे तो फिर भी नहीं। मैनू किन्ने रोकना? तुसी नहीं जाओगे, मैं रुकूंगी। जी थोड़ी टिकट। हूं तुम इतने मेरे लिए रुकोगे तो मैं छड़ के कभी नहीं जाओगे। पता
शेर शायरी होने लग पी है ते गल मेरी बर्दाश्त तो बाहर है तू चाहना की मेरा पहले दिन का वादा है कि जमीरा बीवी बनाना है दसो सिरे कद्दू बन के आवा तू साड़ी कमाई का जरिया ले जाएगा ते दस मैं कादे ते गुजारा करेंगी मुल पाओ मेरे प्यार दा भाई जी ताड़ी बाकी जिंदगी ते सुख लई ताड़ी जिंदगी का बीमा दे के इतों मैं अपना प्यार ले जाऊंगा बोलो की मांगते हो दो चार पांच लाख की कीमत है मेरे प्यार की इको गल करा रकम दसो भाई जी ते फिर रकम होगी 10 लाख बेटा जी कोई बिल्डिंग खरीदनी है नहीं बाजी कोई अस्पताल दा वार्ड बनाना है किसी यतीमखाने नू चंदा देना है कोई फिल्म बनानी है जे बनानी है तो मैनू हीरो ले ले नहीं अब्बा जी फिर करना की है बेटा जी अब्बा जी जी बेटा जी अपना प्यार खरीदना है प्यार खरीदना है प्रॉपर्टी डीलर कौन है ते कब्जा किदे कोलो लेना है अपने नाम एक तवाइफ है
ਤੇ ਡਾਕੂ ਬਿੱਲੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਲਈ ਚੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਰਾਈ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਚੁਰਾਈ? ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਦੌਲਤ ਚੁਰਾਉਣ ਆਇਆ ਸੀ ਅੱਬਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਬ ਦਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਾਪ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਬਰਤਨਾਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਬਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਖਿਡੌਣਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਖਤਰੀ ਨਾਮੀ ਤਵਾਇਫ ਕੋਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੁਝਾ ਸੁਣੋਗੇ? ਸੌਦਾ ਸਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਤਵਾਇਫ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਜਿਸਮਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਜਨਾਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਖਾਨ ਬਹਾਦੁਰ ਨਵਾਬ ਅਲੀ ਕੁਲੀ ਖਾਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਸਰਕਾਰ? ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਿਸ ਇਸ ਕੋਠੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਜਰਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਗਰੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕੱਠੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਾਬ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਜੀ 10 ਲੱਖ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਰੱਖ ਤਵਾਇਫ, ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਤਸਕਰਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ? ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਸ਼ਾਹਦ ਦੇ ਦਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਤੇ ਸ਼ਾਹਦ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਸੌਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁੜਮ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁੜਮ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਤੂੰ ਆਇਸ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਮੀਲਾ? ਤੇਲੇ ਗੋਟੇ ਵਾਲਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਦ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਧੀ ਦੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਂ, ਅੱਜ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਰੇਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ
मैं तेनू चुप कराने के बहाने अपनी गोद च ले लिया, फिर गड्डी हादसे का शिकार हो गई। उस हादसे च कौन किधर गया यह मैं नहीं जानती। तू मैनू मिल गई, मैं तेनू पालिया, जवान करके तेरे पैरां च घुंघरू बने, तू नची ते दुनिया ने तेरा नाम तवायफ रख दिता। अज पता लग गया है कि मैं बेशर्मी ते बेहयाई दे इस माहौल समझौता क्यों नहीं कर सकी। मैं रात ख्वाब क्यों वे दी सा कि मेरी मेहंदी आ रही। तेरा शजरा लकब गवाच गया है, हूं तेरी शनाख्त मैं। हूं किसी शरीफ की महफिल जाके मेहंदी गा दे सकनी है, अपने हथा ते मेहंदी जरूर लगेगी। सिद्ध छड़ दे जमीला ते इदस, अपने प्यार का मुनाफा समझ ले। मैं अपने प्यार नु नहीं बेचा तेरे भाई ते ना ही हूं जमन। जमीला नी तू इत्थे जा भी नहीं सकती। दुनिया की किसी भी तह चोई कट के देवांगा। कौन है तू, साढ़े पैरों से सिर रखे क्यों रो रही थी? कि मेरा ताड़े नाल इक रिश्ता जिन्हें तुसीं ते। तू कौन है? ओ बदनसीब जिदे कोठे ते जाके तुसीं हुक्म दे आयो कि मैं शाहिद नूं ना मिला। अच्छा ते तू शाहिद दे नां दे नाल लगी बदनामी है? तुसीं मैनूं अपना नाम दे दिओ, मैं भी नेक नाम हो जाऊंगी। साडी शराफत साडा नाम किसी नूं विरसे च मिलदा है, एक कोई छपया होया स्टिकर नहीं जिहड़ा किसे दीवार किसे कार दे शीशे या किसे तवायफ दे मत्थे दे ला देता जाए। नहीं मैं तवायफ नहीं। और साडा खून है? मैं जो भी हां पर खून किसे अच्छे खानदान दा ते औलाद किसे शरीफ मां दिया। तो फिर दुनिया तो जाके अपनी शनाख्त लाया, असीं तैनू इज्जत दी नजर नाल वेखांगे, नहीं तो साडी निगाह विच तू एक तवायफ है। जे शाहिद तैनू अपनाण तो बाज ना आया तो फिर असी अपने नामोस वकार ते असूला तो अपनी औलाद नू भी कुर्बान कर देंगे, असी शाहिद नू गोली मार देंगे। नहीं नवाज साहब समझ लो मैं ओहदे लई मर गई हाँ, जिंदगी भर ओहदा नां नहीं लांगी, ओहनू शकल नहीं दिखावांगी, मैं ते चली जावांगी। तवायफ सी जिन्हें शाहिद नूं उहदा मकाम भुला दिता सी। चली गई, वादा करके गई है कि हुण उह कदी शाहिद नूं नहीं मिलेगी, उहनूं अपनी शक्ल नहीं विखाएगी। हुण तू भी अपने पुत्र नूं यकीन दुआ दे कि उह मर गई है। शरीफा दे महल्ले च नहीं अपने कोठे से चंगी लगती क्यों है?
शीरा नु किधर बेचन चले हो चीका भी मार दी मैनू इना गलो बचा लो मैं इना दे कुछ नहीं लगदे पत्थर मारने क्यों जान दा दुश्मन बन गया तन लपेट के चला जा ओ बल्लो अजे ते मैं तुहाडे कोलो कन्ना दी मैल कढाणी ते नाले किसे मसलूम नु मुसीबत च वेख के अख चुरा के नस जाना तुहाडे वर्गे बगैरतां दा काम है किते पिंडे ने तुहाडे जाओ जाके कश्मीर फतह करो बोरियां चुको कुड़ी चुक लीजिए और की बकवास कर रहे हैं ऐसी तली ते तड़के तेनू हुंडिया को इसलिए बचाया कि तू हराम मौत मर जावे चल 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 मैं सुनिया सियाने को काली बिल्ली रस्ता कट जावे तो मनहूस होंगी अच्छा चलो ए दी ते खैर है ए तांबे दी खच्चर आ पुत्र माफ करी मैं की करा मैं आप पजल हो गए ਮਲੇ ਚੋ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਬੁੱਢੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਖਬਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਮਜਨੂ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਆਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਗਲ ਆ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਤਸਲਸਲ ਔਰ ਕਿਸ਼ਤਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇਰੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਦਬ ਨਾ ਝਾੜੋ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗਾ ਦਾੜਾਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬਕਵਾਸ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀਤੀ ਹੋ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡੈਣ ਜੀ ਅਖਰੋਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੈਸੇ ਮੁੰਡਾ ਨਰਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਹੈ ਨੀ ਇਹਨੂੰ ਛਿਤਰੌੜ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਰੇ ਬਿਲਡਰ ਲੈ कंसन बिच दिल लेके मेरा भंग तू दिलदार कंसन बिच दिल लेके मेरा भंग तू दिलदार बजने की था अखियां दे बिच रच गया तेरा प्यार मेरी बदल गई ढोला चाल चाल मेरी बदल गई ढोला चाल कंसन बिच दिल लेके मेरा भंग तू दिलदार बजने की था रच गया तेरा प्यार मेरी बदल गई ढोला चाल चाल मेरी बदल गई Thank you.
खैरियत चाहनी है तो जमीला मेरे हवाले कर दे, नहीं तो मैं तेन इस कोठे दफन कर देंगा। दफन इस कोठे तेन करा तेरा अशर वेख इस बाजार दियां कुड़ियां नूं पुठे सिद्धे सबक देन वाले अज दे रांझे मौत ते डर तू इधर कदे नहीं आणगे। मान्यो फिर अज मैं तुहानू इहो जिहा सबक दियांगा तुसीं चल फिर के औरतां दी कमाई नहीं खा सकोगे, बल्कि अपनी टुटियां ही हड्डियां विखा के लोकां कोलों खरैत मंगोगे। बड़ा काम खराब कर दिता, चलो दोवें जी कितने नस चलिए। मूह तेरा, दोवें जी किसी जगह नस चलिए, तरते मर जाने जे पुलिस ना ही देना ने साडे जनाजे कढ देने ने। खबरदार ओए साहब जी, इन्हू गिरफ्तार कर लो, इन्हें साडी कुड़ी भी अगवा की है। जे तुसी कड़ी होर ना आंदे इन्हें साडे सारयां दे जनाजे कढ देने सन। इहनू हथ करी ला लो। कानून दीआं ना कालियां ने इस बेगैरता दी उम्र बताती है। सिकंदर मुबारक होवे सिकंदर, तेरे पुत्र दी वजह तो साडे खानदान दे मत्थे ते कालक लग गई है। ओदी गिरफ्तारी तवायफ के कोठे तो हुई, कानून दे कागजा विच तेरा नाम भी आया है, ते उस बाजार विच साडे भी बड़े चर्चे हुए ने। फिर क्यों है अब्बा हुजूर, जवान औलाद को गलती हो ही जाती है। ये खबर सुन के तू शर्म नाल डुबिया नहीं? मेरी किस्मत सितारा तो उदन डुब गया से अब्बा हुजूर, ज
जिस दिन मैं तुहाडे घर पैदा होया साडे घर जम्मण नूं तू अपनी बदकिस्मती समझना है असी अपना नाम खानदानी वजाहत इज्जत तैनूं की नहीं दिता तुसी सब कुछ दिता है बहुजूर सिर्फ अपने सामने बोलने की इजाजत नहीं दी थी मैनू ते मेरे पुत्र नूं जिंदा रहने का हक नहीं दिता तुहाडे साए च रहन दा टैक्स ते देना पैंदा है बहुजूर टैक्स चुप रहने की सूरत मैं भी तुम्हें दिता मेरा पुत्र तुहाडे उसूलों तो कुर्बान भी होया दादा जान तू भी साढ़े खिलाफ कोई शिकायत लेके आई है एक अर्ज करने आई है बोल की कहना चाहनी है तुसी भाईजान की जमानत करा दियो ए नहीं हो सकता ओ तुहाडा खून है दादा जान खून रगा विच रहे ते खून हुंदा है मिट्टी ते डिग पए ते जाया हो जाए रगा का खून जाया हो जाए ते थैली विच मिलण वाले खून नाल कमी पूरी हो सकती है पर औलाद दुकाना ते नहीं बिकती दादा जान एहसास ते उहदी कमी पूरी नहीं हो सकती दादा जान तुसी अपनी जिद छड्ड दिओ ते भाईजान दी जमानत करा दिओ असी अपने उसूल नहीं बदलांगे जिन्हें हुण उहदी तरफदारी कीती असी उहदे नालों भी अपना नाता तोड़न दा ऐलान कर दांगे ओनू बेनाम बेनसल ते बेदर्द तसव्वुर कीता जाए उह साडे कुनबे दा फर्ज नहीं है उहनां कोल एड्डी लम्मी पौड़ी हुंदी ते ना ही चील उन्हां दी फूफी लगदी कि ओहदे उत्ते बह के काम करके आ जाए मेरा ते सब कुछ उन्हें घर ही वीरा इत्थे आके मैनूं इंज लग्गिआ इस तरह कर इस रुपये का तू तारे मीरे का तेल मंगा तेरे सिर च जुआ पींगा चूटन दी है मैं हल्का जहा मां तू मेरे मगर की पैदी है ये तेरा होने वाला जमात अपनी होने वाली बीवी लाया है ना मैं भी आराम नहीं बैठने वाली ना खेडांगी ना खेडन देंगी इमरान खान दी शागिर्दे मर जाने एक भी छिक्का लाई उधर वेख उस किंग कांग दे सतमाए बच्चे को लो वच पर तू मेरी एक नहीं मनी तू मेरी एक नहीं मनी ये मेरा जाति एक्सपीरियंस आ ये जेड़े मर्द हुंदे आ बड़े दीदा दलेर हुंदे आ तेरे पे ते बाद मेरे ना बड़ी हुई पर मैं दिल से नहीं लाई इधर देख मैं हटी कटी ते यकी बार के अपना मुकाबला कर ये सच रहना जे इसका दी इज्जत दनिया ते सच दफा दूर हो जा कहते हैं ना की गल है कौन है तू नी पहले तू अपना तारफ करा लकी कबूतरी है जमीन चूक गई है या आसमानों डिगी है कितों आई है तू कितों आई है बिजली दे दफ्तरों तू दस पानी वाले दफ्तर पानी वाले दफ्तरों आई है ता ही तेरा बुढ़े खगे वर्गा मुंह है छेती ना दस इत्थे की करन आई है इत्थे रहन आई है नी मैं सफर करा ते भावे ना करा अपने नाम भूख कोई सीट तक कभी किसी ने बैठन दिता तू ऐसे किने रह सकने चल निकले तू क्या तेरा फीनी थोड़ी अरगा मुंह ये तो नहीं जाएगी दे तेनू तकलीफ किसी मेरे को की कमी है मेरे च तेरे च विटामिन दी कमी की मेरा मतलब है कि कमी तेरे च नहीं मेरी जिंदगी च कमी है अच्छा जी कादी प्यार दी हाय हाय दे झूठिया मैं तेरे लिए मां दिया मारा चलिया ताने चले जलील होई तेरे लिए तेरा ना लेना मैं छिटिया हाली भी तेरी जिंदगी च प्यार दी कमी है हाँ चलिए ओ प्यार तू दे ही नहीं सकती वे बेईमाना मैनू नहीं सी पता तेरिया कसमा वादे सब झूठे ने खाली कर दू साडा मकान आहो छिटे आप की रहना चाहते इस मकान इहदे हर कमरे च बदबू आनी बदतमीज मालक मकान ते पागल दी पुत्र ओदी मां जिहड़ी सानू छिलर मारदी असीं ते आप रहना नहीं चाहते जान जी नेड़े निकले जे सवेरे सवेरे कित्थे जा रहे हो बेटा जी नाश्ता ते कर लो ओए अप्पा जी मेरी पहले गल तो सुन लो की असीं इस मकान विच बिल्कुल रहना ही नहीं बेटा जी की गल है कारपोरेशन वाले ढाण वास्ते आ रहे ने ना इहदी छत चों एडे एडे सप्प डिगण लग पए ने आ पैण मेरा समान बणी आओ चले जाओ मैंने किसी की परवाह नहीं आप समान बनिए परा आओ मैनू वेख लो
तेरी भैन है ते होर तेरी मां है तुसी की समझो सुजान मेरी कुछ नहीं कुछ नहीं ते फेर इनू घरों कढ़न क्यों आ गई गलती हो गई है माफ कर दे और तुसी औरतां हुंदियां ही तंग नजर चार दिन कोई मर्द अपनी हमसाई नूं बाजारों सौदा लिया के दे देवे ते नाल ही शुरू बड़े सौदे जे बूहे ते आई फकीरनी दी तली ते चवानी तर देवे ते ऐडा सुज के मूंह हो जांदा वास्ता जे फकीरां नूं ते छड्ड दिया कर जे ब्याह शादी ते किसी कुड़ी नाल हस के गल कर लवे तां रोणा पिटना ओए तुसी औरतां इह क्यों नहीं समझदियां कि मर्दां दियां ते मावां भैणां हुंदियां ने अज तो बाद मेरे नाल गुफ्तगू शुनीद ना करी शक्की मिजाज औरत उस पागल औरत की बदखबरी थी मैं जाया चाचा जी ऐ क्यों हो गया वो रुस के चला गए जे मना सकनी ते जाके मना ला जान मेरी तुसी ते परे मरो इश्क़ दा रोग पूरा
मैं तेरे ते उम्मीद नहीं सी की? मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि तू मेरे ऐसा नहीं हरकत करेगा। क्यों? मुझे पता लग गया। केड़ा? तेरी चोरी बढ़ी गई है। केड़ी? कि तुहाडी अम्मी पाकिस्तान च रहंदी। तुहानू किने दस्या? तुहाडा दोस्त असलम दा पिओ है, खत दे के गया सी। हूँ मैंने छेती नाल दस्सियो कि तुहाडी अम्मी कित्थे रहंदी। मम्मी, दरअसल मम्मी ते मेरी हॉस्पिटल च बच्चा मतलब बीमार बहुत है ना। वैसे खाती चा लिखिया है कि ओ इत्थे आ रहे ने। मेरी मम्मी इत्थे? कदों? कौन आ रहा है? दादा जान, इन्हां दी अम्मी आ रहे ने। हाँ, जेड़े प्लेन ते आ रहे ने जी? वो प्लेन शायद पीए कार्गो या ट्रेन, मतलब इतला ते जत। अच्छा, ठहरन की कितने? ठहर तो जाते नहीं कभी, अपना इंटरनेशनल होटल ठहरते हैं, कभी दिल करे तो जाके इंटरकॉन्टीनेंटल डेरा आ जाने, कभी हिल्टन च फ्लैट ही जदों दिल चाहे तो जाके तो इतने यतीम खाने साबर होटल ही ठहर जाते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब गल है। हाँ, बड़ी अजीब जी गल है जी। मैं तुम्हें उन्होंने ला बुली तबीयत का एक लतीफा सुना जी। मैं पैदा होने वाला सी उदों, तो मैं लैके ना छः सात अस्पताल फिरे, बड़े बड़े अच्छे अस्पताल जी, तो अखीर जाके तकरीब जै मैं जच्चा खाने फिर पैदा हो गया जी। दाई की शक्ल मैंने अजे तक याद है, घोड़े से बह के आए थे, हाथी गंदासा फड़े से अम्मी डर के। अच्छा भाई, ऐसी अजूबा मानू तो असं जरूर मिलेंगे। याद रखना कल शाम वो साढ़े घर चीफ गैसट होंगे जी। होंगे बकायदा जी, कल शाम जी। हूँ भूलना ना, कल शाम को अम्मी जी ने लैके जरूर आना। अम्मी लैके आवाना एक बार, मैंने जान मेरी मिल जाए। है कुछ कुछ भी नहीं, नहीं। गलत घर से नहीं वाला है, मतलब लिफ्टी ला लवे। काकी तू कौन है? तुसी किनू मिलना? ओ मोटा किथे है? भाईजान अंदर ने। भाईजान? ए भाईजान दी भैन कित्थों जम पई? पाए ने जान मेरी, इस दुनिया च रिश्ते गुआच भी जांदे ने ते लभ भी पैंदे ने। मेरी है ओ गुआची भैन है जिहड़ी मैं लभ पई। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम यार। सलाम। हां यार, बेड़ा रखो। कह रहे कोई पैसे चाहिए? नहीं यार, बस एक मुसीबत आ गई है यार। ओ आवे पुत्र यार, किधर आया? बड़े तेरा बन आया और सब फट। अब्बा जी पिछा हट जाओ, चल जाएगा जी। ओए नु फड़ो ओए। अब्बा जी तुसी की है बुड्ढी जी सब्जी ले आंदे अपने अर्गी? मैं तो सब्जी ले ताजी है, वदा केस मारिस। इनु पानी दा छट्टा मारोगे तो उठ पैगी? उठ नहीं पैगी, डूब जाएगी। सगों तुसी मैनु चाचा जी ये दसो कि तुहानू की तकलीफ सी उत्थे खत पहुंचाण दी? पुत्र मैं तो कभी खत नहीं कराया, हमेशा शेव कराई, मैं कभी मोचे नाल रहा। मैं इस खास गल नहीं पा करता, जरा खान बहादुर साहब के हाथ फड़ाया जाके उस खाद की गल पे करना। मैं समझा अर्जेंट गल है, मैं बचा तो कोई प्रॉब्लम पेश आ गई? प्रॉब्लम रोंदा है खुदा रब वास्ता, जो मेरे भा की मुसीबत बनी। ना ना, तो खत हैगा कि मां का यार? कौन मां का यार? मां खत सी की? मां फौत हो गई? आराम करे, मेरी मां इतने आ रही है भी यार। तो मां की चर्च लैके आ रही जो एडा घबरा गया? खान बहादुर साहब मां मिलना चाह रहे समझा यार। क्यों नहीं समझते? मां एक गरीब आदमी है। आदमी? मेरा मतलब गरीब औरत है। गरीब इंसान नहीं होंगे जान मेरी यार? मैं उन्होंने ये कह बैठा सा चाचा जी कि मेरी मां उठे फ्रांस च रही। बहुत चीका ना मारो फिर लिया, तेरी मजबूरी मैं चंगी तरह समझ गया वहां। तेरे लिए तेरी मां का बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। मम्मी डरो ना, है खान साहब ने कोई बगैर नहीं। खान साहब? मैं समझू सनगी बजाने वाले खान साहब ने। मैडम जी, तुसी तशरीफ लियाओ साडे घर विच। घर इत्थे बैठो। अब्बा जी हुणी बिजली दा बिल देण गए ने, ते बिल दे के ना ते हुणी आउंदे होणगे, काफी देर ना लाउणगे, तुसी तशरीफ लियाओ। ठीक है मम्मी, अगर इन्हां दी कोई प्रॉब्लम है ते असीं फिर आ जांगे। बेटी जी तुसी जाओ ते मैं निबड़ के आऊं। नहीं मम्मी, मैं रिस्क नहीं लै सकदा। बेटी जी मेरे ते इतबार करो तुसी। नहीं ताडे ते इतबार है, पर इन्हां ते नहीं। क्यों? इस वास्ते कि इन्हां ते अगे चार पांच औरतां दे केस बने। बेटी जी तुसी मैनूं अज छड्ड के जाओ, अज तों बाद इन्हां ते औरां दा केस नहीं बनेगा। नहीं मैं तेन जान देंगा बेटा जी, तुसी जाओ, असी आपस जे मैं तेरी मम्मी नाल कोई प्राइवेट गुफ्तगू करनी है, रिश्ते दी गल तय करनी है ना। हाँ बेटा, बड़े अज नहीं बोलना होता, तुसी जाओ। मैडम इधर वेखो, तुहानू मैं पहले भी किधरे वेखिया है? हाँ तुसी जानी पछानी सूरत हो, इधरों तुसी जिन्न तमान लगदे हो। थैंक यू। ते इधरों
अल्लाह की मान लगते हो पर ठीक ही है जो कुछ भी साहबजादे ने जैबरी चो जैबरे दे घर आली खान बहादुर साहब आंदे ने या नहीं आंदे मैं ठीक अद्धे घंटे बाद अमरीका चले जाएंगे पैदल जाना नहीं एयरपोर्ट से लेके जावांगे क्यों मगर तुम क्यों जा रहे हो देखो देखो मेरे वालों तो बिल्कुल इजाजत है तुम जो चाहो इजाज बेटे अपना दमाद बना लो है मन कोई इतराज नहीं पाई जान खुदा हाफिज चलो जे तू मेरा दुख पूछी लिया ते फिर सुन मेरा मैं शहर दे खान बहादुर नवाब अली कुली खान दे पोते शाहिद नूं अपनी जिंदगी समझनी आ तू मैंने पहले क्यों नहीं दसा इस तो पहले मेरे को किसी ने पूछी भी तो नहीं सी अगे उस दर से गई सा ते ना मुराद वापस आई हाँ जे तेनू दस भी दिता ते प्यार नहीं मिलना पर बदनामी होर चोली पै जाएगी हौसला रख पैना मैं दावा तो नहीं करता पर वादा जरूर करना जनाह की चोटी से बैठा है वो नवाब अपने असूलों की सीढ़ी उतर कितनी दफा हो गई अभी उन्हें किसी ने कारिज पा लिया है या वो जिंदा है तुम्हारे मुंह च क्यों शक्कर नवाब साहब हूं कितने वे वो चमनजार विच असलम नामी बंदे को रहती है दाश्ता बन गई वो उन्हें भैन कहता है वो शाहिद नाल ओदे निकाह की सिफारिश लेके आया सी असी तेनू कह आए कि उस मोहल्ले चो लैके किधरे दूर इस शहर तो चली जा ते कम शाहिद दे जेल तो आने तो पहला होना चाहिए जदों तू सानू आके कहेंगी कि उत ते कल तू उन्हूं लैके दूर चली जाएंगी असी इस गंदगी नू अपने खानदान तो दूर ले जाने की कीमत तेनू 20 लाख रुपया देंगे नवाब साहब जे वो तुहाडे खानदान की नूह नहीं बन सकी फिर किसे घर च भैन बन के भी नहीं रह सकेगी खानू पलवान मेरी धी नूं अपने महल्ले चो तू कढ़ा दे जिन्हूं असलम मी आदमी भैन बना के कर लै ऐस यकीन नाल चली जा कि मैं इस भैन भरा के नवे रिश्ते हमेशा तोड़ दिया का। नहीं वीरा खुशियां खो के नहीं नसीब आन मिलदियां ने ते तेरी भैन दे नसीब च खुशियां नहीं नहीं जमीला नहीं जिस घरों खुशियां मंगिया ना मिलन उतों खोनिया पैदियां ने तू उस घर की नूह जरूर बनेगी उसके बदले च मैनू भावे अपनी जान इज्जत आबरू सब कुछ कुर्बान करना पवे नहीं वीरा भैन तेरी इज्जत प्यारी है मैं कभी बर्दाश्त नहीं करांगी कि मेरी वजह ना तेरे ते कोई मुसीबत आवे तानू मेरे घर की दहलीज टप्पन की जरूरत किस तरह हुई आ रही ओए मोहल्ले च क्यों जी गंदगी आई है जिदी बो कटर कोलो भी वादे ते ओ इस घर च रहने वाली तरह पे बकवास ना कर ओए तोए फा तोडे वरगे बेगैरतां दे घरां च हुंदियां होणगियां शरीफां दे घरां च मौआं पैणा हुंदियां ने ओए तेरे कहण नाल इहदी ज़ात नहीं बदल सकदी असीं इहनूं इस मोहल्ले चो कढ़न आए आ इहदा कसूर की है जान मेरी
और ये बदनाम है। तौबा तो बाद गुनाहगार नूं रब दी रहमत कबूल कर लेंदी है, बदनामी तो नस के शराफत की जिंदगी गुजारन वाले नूं तुसी शरीफ लोग पनाह क्यों नहीं देंदे, जीत क्यों नहीं देंदे? असीं तेरी बहस सुन नहीं आए, ऐस माले विचों ऐस कुड़ी नूं कढ लै चल। नहीं तेरी वजह नाल तेरे वीर ते कोई आफत आ रही है, इथों चली जा जमीला, इथों चली जा। तू एक तवायफ है, तेन शराफत रास नहीं आ सकती, इथो चली जा जमीला, इथो चली जा। जमीला तू कहां चली है? मैं अपनी बदनसीबी लेके इथो जा रही हूं, रब दा वास्ते मैं ना रोकी अब्बा, मेरे वीर नु मेरी कसम आदमी वो मेरे पीछे ना आवे, मेरे पीछे। मैं अपनी भैन के खिलाफ बोलने वाली हर जुबान भर देगा, मेरे नवे सा मुका देगा। वो बेवकूफा जिस भैन की खाते तू दूजे की मौत भरन लगे, वो तो एक कारी छड़ गई है। मेरा जा लगे अपनी जान की कसम देख गई सी, तू वो पीछे ना आवे। बड़ी छेती की थी। ये तो वेख लेती ते सके ते मुंह बोले प्रावा च कोई फर्क नहीं होना। माजी कुड़ी गड्डी थले आन लगी है ना माजी। पागल ते गूंगी लगदी, नाले सारे मुसाफरा दी मौत बन लगी थी। चल पासे हो ए पागल, इस माई दी धी लगदी है। और चलो यार छड़ो, आओ चलिए। क्यों थी मरण क्यों लगी थी? ऐस दुखा भरी जिंदगी को नफरत हो गई है, इस उम्र केड़ा दुख ला ले। तुसी क्यों पूछ रहे हो? गड्डी टुर गई है पर तेनू छड़ के जानते दिल नहीं कीता, वो इसलिए कि जज मेरी गुड्डो मेरे कोल होंदी ते बिल्कुल तेरे वर्गी होंदी। ताड़ी गुड्डो मर गई है? नहीं दिए, मां दी ममता कहती उस जिंदा है। अज तो 15 साल पहले मैं अपने दोवां पुत्रां ते धी नूं लैके एक नामालूम मंजिल वाल जा रही थी। चुप कराने के बहाने एक औरत ने मेरी धी नूं अपनी गोद च बिठा लिया, वो गड्डी हादसे का शिकार हो गई। पर मैनू उस औरत का ना आज तक याद है। की ना सी उहदा? अखतरे मैं तेनू पालिया, जवान करके तेरे पैरां च घुंघरू बने, तू नची ते दुनिया ने तेरा ना तवायफ रख दिता। मां नी मां कह के सीने न लगी है, सीने तू मेरी गुड्डो है। मां जे तेरी ती बदनामी दी गोद च रह के जवान होई होवे ते लोकी ओनू तवायफ कहन ते तू ओनू सीने न ला लेंगी। रब दा वास्ता है बदला ना दे, तुराई नेड़े आन तो पहला ही मर गई होवे। जे कोई इल्जाम लेके मेरे सामने आई ते मैं आप मर जाऊंगी। पर ऐसा कुछ तू क्यों पूछ रही है? कुछ नहीं मां, तेरा प्यार देख के मैंने अपनी मां याद आ गई है, जिन्हें मैंने कभी प्यार नहीं किया, इसलिए उसके रुस के मैं इत्थे आ गई हूं। नहीं थी
ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੁਸੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਲੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਪਹਾੜੋਂ। ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਸੈਂ? ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਆਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਆਚ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੜਫਣਗੇ। ਚੱਲੀਏ ਮਾਂ। ਮਾਂ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਮਾਂ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਨੀ ਹਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੀਤ ਆਏਗਾ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਖੂਨ ਚ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ? ਮੇਰੇ ਅਸਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡ ਗਈ। ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਕਰ ਲੈਗੀ, ਪਰ ਧੀ ਦੇ ਨਸੀਬ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾੜ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਸਾੜ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਨਵਾਬ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਕੀ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਛੁੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ? ਆਹੋ ਮਾਂ ਜੀ, ਖਰਾਬ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ। ਲੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਜਾਨ ਮੇਰੇ? ਗੱਡੀ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ? ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਬੜਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ? ਗੁਆਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਭੈਣਾ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੁੱਤਰ, ਇਜਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ? ਮਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਟਿੱਕੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਪੁੱਤ,
पुत्र यह दस जिहड़ी जाज ने अपने लिए कुड़ी पसंद की तू नहीं जाना? आहो मां ओ उन्हें पसंद नहीं की थी। मां तेरे को लुका है तेरी गल का बुरा ना मनाए जान मेरी बस अजीब जे अब्बा ए मेरी मां है जान ना कटा ली जान मेरी पुत्र मैं कदों क्या मेरी मां है देखी भैन मेरी तू आई है तो एकदम शेर हो गया कोई गल नहीं पुत्र निबल लगा तेरे नाल कौन लोग ने कंजर लोग ने मेरा मतलब है कुछ अजीब जे ही लोग ने मां कोई अजीब जे ही उन्होंने मूंह ने अजीब जे ही उन्होंने नां ने वह कुड़ी के दादे का नाम है नवाब अली कुली खान तेरी चोली खैरात नाल भर देंदे तू रिश्ता मंगण आई है ओ भी खान बहादुर नवाब अली कुली खान की पोती का मैनु इस गुस्ताखे की जरूरत किवें हुई कौन है तू आपदा थे कदों ही मर गई नवाब साहब मैं तो सिर्फ मां ते अपने पुत्र दियां खुशियां लैन आई हां तुहाडे कोलों आपदा तू जिंदा सै ते किथे रही बाप दे दर तो ठुकराई हुई थी जिथे भी गई तकदीर दे जुल्म सहंदी रही ते जीउंदी रही तू जिस गड्डी दी सवार सै ओदे हादसे दी खबर सुन के असी तेनू मार बैठे सा तेनू याद करके बड़े रोए साहब दा और तू वापस आ गई है ते सब कुछ तेरा सब कुछ तेरा है पर तू सानू माफ कर दे असी प्यू बन के तेरे बरिया दे दुख अपने दिल विच लुका ला दे अपने वादे के मुताबिक रकम मेरे हवाले कर दे आज जो कुड़ी मेरे कोठे से आखिरी मिश्रा करेगी एक कल शहरिश नहीं रवेगी तेन पछाण लिया जी पर नसीबी थी उस घड़ी मेरी धी तेरी गोद सी दस नहीं कितने मेरी थी तेरी गुफ्तगु तो मनु यकीन हो गया कि तू एक दवा है कि मेरी धी नही अपने रंग बोल बोल मेरी धी कितने
हार नहीं मनना दी तू मैनू बर्बाद किया मैं तेन चुंदिया नहीं छड़ांगी मैं
میری شناخت کر لیتی یہ بدبخت ہے تو جس پاس بھی منہ کرے گی تیرا ماتھ نظر آئے گی ماں ثابت کہ میں یہ نانا وا نواب صاحب تھی ایک دن آخیا سی نا اپنی شناخت لے آج میری شناخت آ گئی پر میں اپنی بد نصیبی لے کے تو بہت دور ٹر جاؤں گی بہت دور ٹر جاؤں گی